प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेनली द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस ईयर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. वी विल सी द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल सी द क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. वी हैव मेनली 12 सब्जेक्ट्स एंड वी विल सी फर्स्ट हाउ देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज जनरली बीइंग आस्क्ड इन द आईएएस एग्जाम. आई हैव दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस ईयर. आई होप आपके पास भी ये पेपर होगा. इफ यू डोंट हैव दिस पेपर, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फाइल फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल. आई विल राइट डाउन माय टेलीग्राम चैनल हियर. इट्स वी प्लस यू अकेडमी. टेलीग्राम चैनल वी प्लस यू अकेडमी. आप यहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पेपर की, वी प्लस यू अकेडमी. इससे पीडीएफ डाउनलोड करके आप मेरे साथ कैरी ऑन कर सकते हो. सो इफ वी सी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सोम, इफ आई टेल यू अबाउट सोम, 17 क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज यूजुअल, एज वी ऑलरेडी नो, अराउंड 15 टू 16 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. बट दिस ईयर 17 क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. सिमिलरली फ्रॉम स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वेरी फ्यू क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दिस ईयर, ओनली 4 क्वेश्चंस. We will see those questions. I will try to give you the review or just to give you the hint, the type of question that is being asked this year. Then we have building construction and material, or BMC you can say. From here we have 15 questions. 15 questions from RCC, that is reinforced cement concrete, is also 15 question is being asked. Structural steel or design of steel structure is 14 question is being asked. Then we have fluid mechanics plus OCF plus hydraulic machine. In tino hi topics se aapko milte hain 13 questions. 13 questions. Then we have survey. From survey again we have 13 question. From geotech or soil mechanics you can say, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सोयल मैकेनिक्स, यू हैव 12 क्वेश्चन. इस बार यू कैन सी डैट द फ्रॉम सोयल मैकेनिक्स लेस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, विच इज ऑन एन एवरेज 14 टू 15 क्वेश्चन. सच स्टिल इट्स अ गुड नंबर. सो जियोटेक्निकल से आपको 12 क्वेश्चन. देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एज वेल एज वी हैव इरीगेशन. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड इरीगेशन से आपको 12 प्लस 12. इरीगेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास, 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं. यूजुअली 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टिल इट्स अ देन इट मीन्स इट अ इट इज़ अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम नाउ ऑन. नेक्स्ट वी हैव पर्ट CPM. पर्ट CPM और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बोल सकते हो आप, क्योंकि उसमें यदि आप GS के पेपर की बात करो तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ज़्यादा रिलेटेड हैं. दीज आर 10 फ्रॉम पर्ट CPM, 10 क्वेश्चन. एंड फ्रॉम हाइड्रोलॉजी, फ्रॉम हाइड्रोलॉजी वी हैव 3 क्वेश्चन ओनली. आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर. हाइड्रोलॉजी आपका केवल 3 मार्क्स का है प्रीलिम्स में. ऑन एन एवरेज भी इसके 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द प्रीलिम्स ऑफ आईएएस एग्जाम. सो आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो दिस मेक्स अस द समिशन ऑफ दिस विल मेक यू, दिस विल मेक द 150 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पूछे गए हैं इस साल. तो यदि हम बात करें अब क्वेश्चन का लेवल कैसा था या फिर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यदि मैं बात बताऊं आपको क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो सोम से, दिस इज सोम, सोम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है आपको, और आपको गिवन है लोडिंग गिवन है उसके ऊपर. एक आपको सिंपली सपोर्टेड गिवन बीम गिवन है और कुछ लोडिंग गिवन है उसके ऊपर. लेट मी सी,
जैसे आपको ये लोडिंग गिवन है, इसके ऊपर कुछ डिफ्लेक्शन आएगा एट द सेंटर, फिर आपको एक कैंटिलीवर बीम है गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ डिफ्लेक्शन आएगा एट द फ्री एंड, हियर यू कैन सी, तो आपको उनको कंपेयर करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो डिफ्लेक्शन है और ये जो डिफ्लेक्शन है लोड के साथ क्या रिलेशन है इनका, और यदि ये लोड इस पर यूज़ किया जाए तो आपको क्या वैल्यू इसकी मिलेगी। ठीक है, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंडली सोम से जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगेन फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। आपको शियर स्ट्रेस गिवन है और नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है, आपको इसका 15 डिग्री के ऊपर, आपको 15 डिग्री के ऊपर स्ट्रेस बताना है क्या रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इधर, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, फिर इसी से ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से ही आपको सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन है आपको, और बोला गया है आपको एक सिग्मा एक्स गिवन है और सिग्मा वाई गिवन है। मतलब कि जैसे ये यदि कोई स्ट्रेस ब्लॉक है, आपको सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, ये कुछ शियर स्ट्रेस रहा होगा, और आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है। एज्यूम कर लो अभी के लिए, जैसे मान लेते हैं 280 MPa और इसकी मान लेते हैं कुछ 100 MPa और इसकी 230 MPa, तो 230 MPa, तो आपको सिग्मा की वैल्यू बतानी है एट दैट पॉइंट। तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यदि फोर्थ क्वेश्चन की बात करें जो सोम से पूछे गए हैं, यदि फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको एक ये बीम गिवन है, फिक्स बीम गिवन है आपको, ये कुछ लेंथ गिवन है से एल। अब ये जो आपका राइट स्पोर्ट है, दिस सेटल बाय सम अमाउंट डेल्टा, दिस सेटल बाय सम अमाउंट डेल्टा। अब इस डेल्टा अमाउंट के कारण जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आएगा, अभी यदि आपके पास इसके ऊपर UDL है ऑफ मैग्नीट्यूड W, तो अब यहाँ पर आपको बताना है फाइंड फिक्स्ड एंड मूवमेंट में नए जो फिक्स एंड मूवमेंट आएंगे, आपको उनकी वैल्यू को शेयर करना है। यहाँ पर क्या होगा, MA की वैल्यू एंड MB की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से सोम से। तो ये मानने हमने चार क्वेश्चन देख लिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ, फिफ्थ क्वेश्चन से यदि हम बात करें, एक आपका क्वेश्चन ये भी था, जैसे आपको ये एक फिक्स पोर्ट है और ये आपके पास रोड है ऑफ सर्टेन लेंथ से एल, दिस इज द लेंथ एल एंड हेयर इज योर कॉलर। कॉलर मतलब क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो आपने एक वेट को, जिसका मान लेते हैं वेट W है, तो वेट क्या हो जाएगा m टाइम्स g, और ये हाइट आपको गिवन है h, ये हाइट आपको गिवन है h, तो आपको बताना है ड्यू टू दिस फॉल इन हाइट व्हाट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस रोड, इस रोड में स्ट्रेस कितने डेवलप होंगे, हाउ मच स्ट्रेस इज डेवलप्ड। इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको एनर्जी क्रिएट करनी है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी mgh, और आपकी एनर्जी ऑफ रोड ड्यू टू एक्सियल फोर्स जो होती है आपकी पी स्क्वेयर एल बाई 2a, आपको e भी इसके अंदर गिवन रहेगा, एरिया इसका गिवन रहेगा, डायमीटर आपको गिवन था, इसका डायमीटर गिवन था और e की वैल्यू आपको रोड की गिवन थी, सो स्ट्रेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको शेयर करता हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या गिवन है आपको, एक स्टील रोड गिवन है, लेट्स दिस इज अवर स्टील रोड, दिस इज अवर स्टील रोड, और इसके बाहर आपको कॉपर की शील्डिंग है, मतलब कि कॉपर स्लीव्स है इसकी, और आपको क्या किया गया है, नट बोल्ट असेंबली है ये, जिसके अंदर कॉपर स्लीव्स के अंदर आपको एक इंटरनल डायमीटर गिवन है और एक एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है।
इफ दिस इज d इंटरनल डायमीटर ऑफ कॉपर और d एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कॉपर, ये आपको गिवन है, और ये आपके पास स्टील की रोड है, ये स्टील की रोड है, ये कॉपर आपके पास, ये कॉपर आपके पास हो। इसमें बताया गया है ड्यू टू नट, नट के कारण जब आपने उसको फोल्ड किया, जब आपने उसको रोटेट करवाया, जैसे यहाँ पर आपका नट था तो आपने रोटेट करवा के अंदर की तरफ उसको शिफ्ट किया है, जिसके कारण स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है स्टील के अंदर वो आपको गिवन है 100 MPa, 100 MPa या कुछ और डाटा था शायद, तो वो आपको गिवन है। आपको बताना है कि स्ट्रेस कॉपर में क्या डेवलप होगा, व्हाट इज द स्ट्रेस डेवलप इन कॉपर ड्यू टू रोटेशन ऑफ नट इन द स्टील सेक्शन, नट इन द स्टील सेक्शन, तो आपको बताना है स्ट्रेस डेवलप इन कॉपर। तो इसमें इजी था, जैसे मान लेते डायमीटर इंटरनल आपको गिवन है 150 और ये 300 और ये आपको गिवन है 75 स्टील डायमीटर, तो यहाँ से आप, आपको स्टील का स्ट्रेस गिवन है तो आप फोर्स निकाल लीजिए वहाँ से क्या एक्ट करेगी, सिमिलर वही फोर्स वाइस वर्सा कॉपर पे एक्ट करेगी। यदि मैं बात करूँ स्टील पड़ेगी फोर्स ऐसे, क्योंकि हमने रोटेट करवाया है तो उससे स्टील क्या आएगा, टेंशन में आएगा। यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये स्टील सेक्शन है तो ये टेंशन में आएगा, और आपके पास कॉपर सेक्शन क्या आएगा, कंप्रेशन में, ये कॉपर स्लीव है, तो ये सिग्मा आपको गिवन है स्टील में। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल लीजिए, कैसे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा, यही फोर्स आपका यहाँ पर एक्ट करेगा, यहीं पर एक्ट करेगा, तो आपको स्ट्रेस निकाल लेंगे क्योंकि आपको एरिया पता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपसे स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया। वो देख लेते हैं, ये हमारा 7th क्वेश्चन है, उसमें आपको एक स्प्रिंग गिवन है, ये स्प्रिंग गिवन है और एक मास गिवन है, से एम मास गिवन है जो कि एक सर्टेन हाइट एच से फॉल कराया गया है, एम मास को एक एच हाइट से आपने गिराया है स्प्रिंग के ऊपर, तो उससे इसके अंदर आपको नंबर ऑफ कॉइल्स गिवन है, आपको गिवन है इसकी रेडियस, ये जो रेडियस है आपको गिवन है इसकी, आपको गिवन है इसका डायमीटर किसका, ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, आपको गिवन है जी की वैल्यू भी गिवन है आपको। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे डेल्टा भी गिवन आपको, इसमें जो कंप्रेशन आएगा डेल्टा, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन भी गिवन है आपको, कंप्रेशन किसमें, स्प्रिंग में जो उसके वेट के कारण, गिरने के कारण आएगा, और आपको क्या गिवन है, ये लोड आपको गिवन है 2100 न्यूटन और ये हाइट गिवन है आपको 240 mm। तो ये सब डाटा आपको गिवन है, अब बताना है आपको फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको बतानी है स्प्रिंग के अंदर। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, यदि आपके पास टाइम होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ये क्वेश्चन एंड में करने लायक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी इक्वेट करनी है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्टिफनेस फॉर्मूला आप कंपेयर करोगे जब, तो आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को निकाल पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ पेपर में। अब बात करते हैं हमारे BMC से, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यू कैन से, उससे हमने देखा 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह के थे या फिर किस चैप्टर से वो मेनली पूछे गए हैं, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पर्टिकुलरली किसी चैप्टर को ना फॉलो करके वो जनरल BMC के पूरे सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया फ्रेश कंक्रीट के ऊपर आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करवाना है, तो
तो आप इनमें से कौन सा टेस्ट करवाएंगे, इनमें से कौन सा टेस्ट कराएंगे। आपके पास चार ऑप्शंस थे, जैसे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट, या फिर मैच्योरिटी टेस्ट। तो ऐसे ही एक और ऑप्शन था, आपको चूज करना था। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि और बताऊं मैं, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन कंक्रीट से, जो आप मास कंक्रीटिंग करते हो तो उसके लिए कौन से सीमेंट यूज करते हो। अगेन फोर ऑप्शन गिवन थे, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर अदर ऑप्शन। हमें पता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं जब हम मास कंक्रीटिंग करते हैं। फिर पूछा गया था, यदि आपकी रेजिस्टेंस एल्कली की, या फिर आपकी सीमेंट की रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सल्फेट अटैक और इन्वायरमेंटल डिटोरिएटेशन, उस केस में आपके पास जो बोक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि C2S, C3S, C3A एंड C4AF, उसमें से आप किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये आपका BMC से डायरेक्ट पूछा गया है। फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पोजोलोना क्या है, ऐसा क्वेश्चन। फिर ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इस एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे कि एक स्टोन से कह सकते हो आप, जैसे सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिना, सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिना ये किसके अंदर मिलते हैं। एग्जांपल जैसे ओलिविन आपकी एक रॉक है, या फिर गार्नेट जो इसका आंसर भी है, तो गार्नेट ही होता है आपका सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिना। तो ये क्वेश्चन ने पूछा गया है। और यदि मैं जो देख पा रहा हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन है वर्केबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया एक। तो ये कुछ क्वेश्चंस, चार पांच क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल ऑन जनरल BMC इजी था आपका, आप इजीली इसमें से जैसे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप आराम से 12 क्वेश्चंस को कर सकते थे, 12 क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते थे। और सिमिलरली यदि हम सोम की बात करें, सोम में आपको टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चंस इसके भी आप आराम से 12 टू 14 क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते थे आउट ऑफ 17 क्वेश्चन। तो ये BMC हमने देख लिया है। अब बात करते हैं RCC से, क्योंकि 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं RCC में, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि सिंपल क्वेश्चन, आपके पास स्लैब है, स्लैब की जो मैक्सिमम टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब जो हम बोलते हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन, और कंपैरिजन कर सकते हैं हम कैसे। जैसे आपके पास ये स्लैब हैं, तो इसके अंदर जो डायमीटर यूज़ करोगे आप, स्लैब के अंदर जो डायमीटर यूज़ करोगे आप, डायमीटर यूज़ करोगे और थिकनेस का क्या रिलेशन है, तो वो आपको बताना चाहिए। डैट डायमीटर, इफ दिस इज द थिकनेस, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस टाइम ऑफ 8। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर स्लैब से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्लैब गिवन है, स्लैब के जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर जो रिइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं ताकि क्रैकिंग ना हो, क्योंकि रिइंफोर्समेंट का काम क्या है, क्रैकिंग को रोकना। तो उस रिइंफोर्समेंट को, कौन सी रिइंफोर्समेंट होती है, शीयर रिइंफोर्समेंट, टॉर्शन रिइंफोर्समेंट होती है, या फिर टेंसाइल या कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। तो कॉर्नर्स पे रिइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं टॉर्शन रिइंफोर्समेंट बिकॉज हमें उसको ब्रेक करने से बचाना है रिइंफोर्समेंट को। जब टॉर्शन आता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका कॉर्नर ही होता है, तो ध्यान रखना है कि कौन सी रिइंफोर्समेंट वहां पर हम यूज करते हैं। फिर एक सिंपल क्वेश्चन, टू वे शेयर के लिए जब आपको कोई कॉलम आपकी फुटिंग के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट करता है, उसमें जो आपका क्रिटिकल लोकेशन है शेयर की, वो कहाँ होती है, एट व्हाट डिस्टेंस दिस क्रिटिकल लोकेशन लाइज इफ डी इज द डेप्थ ऑफ योर फुटिंग, डी इज द डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक लॉस से, प्री स्ट्रेसिंग लॉस से, कि किस चीज़ पर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डिपेंड नहीं करता, सिंपल क्वेश्चन है। फिर एक आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग मेथड, डिसएडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग मेथड, आपको चार स्टेटमेंट गिवन है, उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट चूज करनी है जो उसका डिसएडवांटेज है।
इजी क्वेश्चन था, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यदि और क्वेश्चंस की बात करें इसके अंदर, फिर हमसे पूछा गया है नॉमिनल कवर से, कवर से आपका क्वेश्चन यूजुअली पूछा ही जाता है। नॉमिनल कवर से पूछा गया है बीम के, ये आपको जैसे मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं ये आपके पास बीम है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। नॉमिनल कवर से यूजुअली क्वेश्चन पूछा ही जाता है आरसीसी के अंदर, जैसे आपके पास ये बीम गिवन है, ये आपको बीम गिवन है, तो आपका ये नॉमिनल कवर है, ये यदि आपकी डी डेप्थ है, तो इस कवर से आपको पूछा गया है दैट दिस कवर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कोरोजन, ये कवर आपका कोरोजन को प्रोटेक्ट, कोरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, फायर रेजिस्टेंस देता है हमें, या फिर हमें हेल्प टू प्रोवाइड द सफिशियंट बोन स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करवाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये थी, और फोर्थ स्टेटमेंट प्रोवाइड शीयर रेजिस्टेंस, शीयर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। तो आपको चूज करना है इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर पता भी होगा, ये शीयर रेजिस्टेंस को नहीं प्रोवाइड करता, ये कवर जो है शीयर रेजिस्टेंस को नहीं प्रोवाइड करता। फिर एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको कॉलम गिवन है, सर्कुलर कॉलम है ये आपके पास, ये सर्कुलर कॉलम गिवन है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपसे पूछी हुई है, वो डायरेक्ट पूछा है, आपको बताना है कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कितने टाइम एक्स्ट्रा होती है एज कम्पेयर टू एक्सियल लोड कॉलम्स। तो आपको बताया वो 5% एक्स्ट्रा होती है, तो आपको ऑप्शंस गिवन है, एलिमिनेट कर सकते हो बड़े इजीली। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, बाकी आप देख पा रहे हो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरसी से वो कैलकुलेटिव नहीं थे, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं थे, वो आपके मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से या एरिया ऑफ स्ट्रेन निकालने से नहीं पूछे गए हैं, तो वो अब की बार अच्छा हुआ है। और क्योंकि आरसीसी से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट था आपकी बार, अनलाइक क्योंकि पिछली बार क्या होता है आरसीसी में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है एरिया ऑफ स्टील के कारण, तो लेकिन अब की बार ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट था। बात करते हैं स्टील की, स्टील से भी 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टील में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैं बात करूँ जो मुझे ध्यान आ रहा है, पर्लिन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पर्लिन से क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम मूवमेंट आपको बतानी है, फाइंड द मैक्सिमम मूवमेंट इन केस ऑफ पर्लिन। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको पता है इसका फॉर्मूला WL/10, वेर W इज द टोटल लोड, W क्या है टोटल लोड है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। और स्टील के देख लेते हैं और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, स्टील से जैसे आपसे पूछा गया है लोकल फेलियर ऑफ बीम से, मतलब क्या है, आपके पास आई सेक्शन गिवन रहता है, आपको पता है उसकी फ्लैंज जो होती है यदि वो फेल हो जाए या फिर वेब फेल हो जाए, जैसे ये आपके पास आई सेक्शन है कोई, ये पास आपके पास आई सेक्शन है, यदि ये आपकी फेल हो जाती है या फिर ये सेक्शन फेल हो जाता है ड्यू टू लोकल फेलियर, और लोकल फेलियर क्यों होता है, यदि ये बी है आपका, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF है, तो इसका एक रेशियो मेंटेन करके रखना होता है, उसके कारण यदि वो रेशियो मेंटेन है तो आपका ये फेलियर नहीं दिखता। और ये रेशियो कितना होता है वैसे, 16 होता है आपका रेशियो, यदि ये मेंटेन करके रखोगे तो फेलियर नहीं होता। आपको इसके 3 स्टेटमेंट गिवन थी, आपको चूज करना था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है या फिर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। अब जो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया इससे, वो है आपका टेंशन मेंबर से, उसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील, कितना एरिया हम यूज करेंगे, आपको परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको फोर्स गिवन है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, फोर्स बाय परमिसिबल स्ट्रेस जो भी था, बस इसमें ध्यान ये रखना था ये आपका किस में था, ये आपको LSM में सॉल्व करना था, लिमिट स्टेट मेथड में,
लिमिट स्टेट मेथड में सोल्व करोगे तो fy/1.1, तो वहाँ से आपका आंसर इसका मिल जाएगा डायरेक्टली। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। फिर एक आपका क्वेश्चन विंड प्रेशर से, विंड प्रेशर से आपको बताना था डिजाइन विंड प्रेशर PD, डिजाइन विंड प्रेशर। डायरेक्ट पता है PD का फॉर्मूला हमें पता है, बेसिक विंड स्पीड आपको गिवन थी, बेसिक विंड स्पीड आपको गिवन थी, तो उससे आपको क्या निकालना था, उससे आपको निकालना था डिजाइन विंड प्रेशर। बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन जो इससे पूछा गया बैटन प्लेट से, बैटन प्लेट से क्वेश्चन पूछा गया, बैटन प्लेट किस लिए डिजाइन करते हैं और कुछ आपको स्टेटमेंट गिवन थी, तो आपको बड़ा इजीली आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो यदि बैटन प्लेट पता है क्या होता है, वेयर वी यूज दिस प्लेट्स, बैटन प्लेट का यूज कहाँ होता है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है लेस्ट कॉलम से पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, विड्थ ऑफ लेस्ट कॉलम, विड्थ ऑफ लेस्ट कॉलम, विड्थ ऑफ लेस्ट कॉलम। तो इसमें आपको बताना था नॉमिनल डायमीटर आपको गिवन था, नॉमिनल डायमीटर आपको गिवन था, ये आपको बताना था जो विड्थ आएगी लेस्ट कॉलम की वो क्या वैल्यू होगी। जैसे ये आपको वैल्यू गिवन है 20 mm वैल्यू गिवन है, तो आपको इसकी विड्थ बतानी थी कितनी mm आपके पास आएगी। तो एक ये क्वेश्चन इससे बनता है जो पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, 6 क्वेश्चंस जो जनरली आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में बोलूँगा इसको, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि स्टिल बच्चे इतने ध्यान से नहीं पढ़ते, क्योंकि एक कन्वेंशनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में शायद ना भी, प्री में शायद कम पूछा जाता है, लेकिन कन्वेंशनल में आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन स्टील से भी 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 15 या 14 क्वेश्चंस आपके बाद पूछे गए हैं, वैसे ऑन एवरेज 12-13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी, तो स्टील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। अब बात करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स की, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, OCF फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, OCF फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको जैसे एक तो काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्या गिवन है, स्ट्रीम फंक्शन गिवन है, आपको स्ट्रीम फंक्शन गिवन है, और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी एट अ पॉइंट, वेलोसिटी एट अ पॉइंट से 1 or 2 आपको बताना है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट ये मान लीजिए 3x² y समथिंग लाइक दैट, आपको बताना है इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। और क्वेश्चन देखे जाए स्टील से, सॉरी फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो आपको एक मिलेगा क्वेश्चन सरफेस टेंशन से, सरफेस टेंशन से, जिसमें आपको हाइट ऑफ कैपिलरी राइज फॉर्मूला यूज करना था, जो कि फॉर्मूला ये होता है 4 sigma cos theta / rho gd, आपको ये फॉर्मूला यूज करना था। डायरेक्ट क्वेश्चन है कैपिलरी राइज, सिग्मा आपको गिवन था, आपको डायमीटर बताना था, हाइट भी गिवन थी आपको और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको बताई है, तो आप ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन देखें, आपको क्या गिवन है, प्रेशर हेड ऑफ वाटर गिवन है, बड़ा इजी क्वेश्चन, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, आपको केरोसिन का आपको यूनिट वेट गिवन है, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन गिवन है आपको, आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ केरोसिन, इन टर्म्स ऑफ केरोसिन आपको इसका प्रेशर हेड बताना है, ये किसके टर्म में है, ये वाटर के टर्म में है, प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ वाटर आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ केरोसिन, इन टर्म्स ऑफ केरोसिन, और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन हमें हाइड्रोलिक मशीन से मिलेंगे, हाइड्रोलिक मशीन से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे,
दो तीन क्वेश्चंस थे आपके, एक क्वेश्चन जैसे आपको बताना था यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, इसमें आपको यहाँ पे वाटरफॉल कर रहा है, इसके ऊपर क्या है ये टर्बाइन, टर्बाइन के ऊपर वाटरफॉल कर रहा है और आपको गिवन है ये जो एंगल यहाँ पर स्वैप करेगा, ये एंगल आपको गिवन है 165 डिग्री। डाटा इस पर काफ़ी गिवन है, मैं आपको वही डाटा बता रहा हूँ जो यूज़ करना था उस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको यहाँ से क्या मिलता, रेडियल वेलोसिटी, और ये आपको u मिलता, और ये आपको मिलता v, ये आपको मिलता v। आपसे पूछा गया था ये एंगल, फाइंड दिस एंगल, फाइंड थीटा, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। आप यहाँ से देख सकते हो ये बनेगा आपका 180 माइनस 165, और ये आपका आएगा 15 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन और जो इसी से पूछा गया है, दिस इज नंबर 5th, इसी से जो क्वेश्चन पूछा गया है 6th हाइड्रोलिक मशीन से, वो है आपका वेलोसिटी ट्रायंगल से। वो भी आपका इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, पेपर में शायद छोड़ सकते हैं उसे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। 7th क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इजी क्वेश्चन, पाइप फ्लो के ऊपर है, ये आपको इसका डायमीटर गिवन है d1, वेलोसिटी गिवन है इसके अंदर v1, इसका भी डायमीटर गिवन है d2, और इसकी भी वेलोसिटी गिवन है v2, इसका भी डायमीटर गिवन है d3, इसकी वेलोसिटी v3, ये वेलोसिटी आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द v3, फाइंड v3। इजी क्वेश्चन, तो आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका रिजर्वायर से रिलेटेड, दिस इज अवर 8th क्वेश्चन, जिसमें आपको गिवन है हेड ऑफ वाटर ओवर द रिजर्वायर इज 40 मीटर एंड यू हैव गिवन द पंप दैट रिक्वायर टू गिव दिस हेड हैज अ स्पेसिफिक स्पीड, स्पीड आपको उस पंप की गिवन है जो वो हेड आपको दे रहा है, और आपको डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है जिसके कारण वो आपको पानी दे पा रहे हैं। देन यू हैव टू टेल द पावर ऑफ टर्बाइन, फाइंड द पावर ऑफ टर्बाइन, आपको क्या गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है और हेड गिवन है। आई थिंक आपको सफिशियंट डाटा गिवन है पावर निकालने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन दी और बात करेंगे, आपको बताना है डेप्थ ऑफ वॉटर बिलो द सी लेवल व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी आपको गिवन है, प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू 1.006 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर आपको गिवन है, क्या गिवन है, दो चीज़ गिवन है आपको। ये हमारा 9th क्वेश्चन, ये कुछ वाटर लेवल है, ये सी वाटर है, आपको ये डेप्थ निकालनी है, से दिस डेप्थ इज एच, ये आपको प्रेशर गिवन है, प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर गिवन है, तो आपको एच की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर एक यूट्यूब मैनोमीटर से क्वेश्चन था, वो भी बड़ा ईजी क्वेश्चन था, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर आपको गिवन है, उसके अंदर कैरोसिन फील्ड है, उसके अंदर टोलिन जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फील्ड है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, और डिफरेंस इन हाइट आपको उसके अंदर गिवन थी, आपको बताना था डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू लिम्स। तो ये भी एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक दिस इज नो अवर नंबर 10 क्वेश्चन। तो ओवरऑल यदि बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स से, ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं कहूँगा ये मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं। आप यदि हाइड्रोलिक मशीन छोड़ दो, हाइड्रोलिक मशीन में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, अदरवाइज फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपकी बड़ी इजी क्वेश्चन थी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, सर्वे की बात करते हैं, सर्वे से भी 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चन सर्वे से आपको पूछे गए हैं, सर्वे या फिर जियोलॉजी, हम कंबाइन करके देखेंगे सर्वे जियोलॉजी को, जिसमें से आपको 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इजी क्वेश्चन है,
कैलकुलेशन नहीं थी सर्वे में जो मैंने देखा है, जो मैं देख पा रहा हूँ सर्वे से। जैसे आपको एक क्वेश्चन था डेक्लिनेशन से, एक क्वेश्चन था डेक्लिनेशन से, फर्स्ट क्वेश्चन, रेड मार्कर यूज किया जाएगा। ये हमारा डेक्लिनेशन से क्वेश्चन था एक, जिसमें आपको बियरिंग गिवन थी। जैसे आपको ये थीटा बियरिंग गिवन है, ये क्या बन जाएगा आपका साउथ थीटा डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट। और आपको क्या गिवन है थीटा डिग्री, आपको गिवन है डेक्लिनेशन एट दिस पॉइंट विच इज 5 डिग्री वेस्ट। ये आपका यदि मैग्नेटिक नॉर्थ है तो आपको डेक्लिनेशन गिवन है, आपको बताना है इसकी ट्रू बियरिंग। बड़ा सिंपल है, ट्रू बियरिंग आपको कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो इससे पूछा गया है, सर्वे से सेकंड क्वेश्चन। सर्वे से सेकंड क्वेश्चन जो यदि मैं बात करूं आपको एक फोटोग्राफ से, या फिर आप उसे कह सकते हो फोटोग्राफ से ही बोलो, फोटोग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। वो आपका क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो आपको वो करना नहीं था, वो डायरेक्टली आपको करना नहीं था, तो ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि वो आपको करना नहीं था, मैंने वो क्वेश्चन रीड किया था। एक सिंपल क्वेश्चन आपको, ये ऐसे कोई आपको टोपोग्राफी गिवन है, इफ दिस इज अवर मीन सी लेवल के ऊपर हाइट गिवन है, दिस इज अवर हाइट से 500 मीटर एंड दिस इज से 700 मीटर। आपको गिवन है फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है, आपसे एवरेज स्केल पूछा गया है, एवरेज स्केल की वैल्यू आपसे इससे पूछी गई है, फ्लाइंग हाइट पूछी गई है, एवरेज फ्लाइंग हाइट पूछी गई है, ना कि एवरेज स्केल। स्केल आपको गिवन है, स्केल की वैल्यू आपको गिवन है, आपको बतानी है फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग हाइट ऑन एन एवरेज, दिस एवरेज, आपको एवरेज फ्लाइंग हाइट की वैल्यू बतानी थी। तो ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। बाकी पूछा गया है आपसे सर्वे से रिलेटेड। अगर ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे से जिसमें आपका मेनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे से स्टेटमेंट गिवन है, जियोलॉजिकल सर्वे एंड माइन सर्वे, तो आपको बताना था विच सर्वे। रिमोट सेंसिंग से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिमोट सेंसिंग में आपसे पूछा गया है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इज यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग, इजी क्वेश्चन। आपको चार ऑप्शन गिवन है, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, आप कर सकते थे। फिर एक रिमोट सेंसिंग से पूछा गया है किस प्रिंसिपल के ऊपर रिमोट सेंसिंग आपका वर्क करता है, ऑन विच प्रिंसिपल डज रिमोट सेंसिंग वर्क। चार स्टेटमेंट, इजी कर सकते हो आप उसको भी। फिर आपसे एक डायरेक्ट प्रिज्मेटिक कंपास से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिज्मेटिक कंपास में चार स्टेटमेंट गिवन है, इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर एक जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जेनिथ, जेनिथ की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, ये हमारा जेनिथ से रिलेटेड, जेनिथ पॉइंट किसे बोलते हैं, उसमें भी आपको चार स्टेटमेंट गिवन थी और आप इजली कर सकते थे। तो सर्वे में ओवरऑल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, सर्वे से इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी। तो ये था हमारा सर्वे। अब बात करेंगे हम सोयल मैकेनिक्स से, जिसमें से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोयल मैकेनिक्स के अंदर भी 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कि एक्सपेक्टेड भी हैं, सोयल मैकेनिक्स से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो। जैसे कि सोयल मैकेनिक्स से आपको पूछे गए हैं 12 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, पहले क्वेश्चन की यदि बात करें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए बी से रिलेटेड
और MV से, दैट इज कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका अर्थ डैम से पूछा गया है। अर्थ डैम में भी कहाँ से, अर्थ डैम में आपकी जो सीपेज लाइन जो होती है या फिर अपर सीपेज लाइन, टॉप पैराबोला लाइन जिसे भी बोलते हैं, फ्लो लाइन भी जिसे बोलते हैं, उससे आपको एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, एक यूनिट वेट से क्वेश्चन पूछा गया है, बल्क यूनिट वेट आपको निकालना था, जिसमें आपको एन की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी गिवन है, ईजी है। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है सोयल से, सोयल से बात करें फिर दूसरे क्वेश्चंस की हम, तो सोयल से बात करें कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी से पूछा गया है, कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी से, जिसमें आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, K की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर आपको एक वाइड रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वाइड रेशियो, वाइड रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देन हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रेसेस पूछा गया है, एट से दिस जेड से वी हैव गिवन दिस जेड इक्वल्स टू 6 मीटर, दिस इज योर 6 मीटर, आपको इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है और लोड आपको गिवन है, पॉइंट लोड, पॉइंट लोड की वैल्यू आपको गिवन है, जिससे आपको ये वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। एक लिक्विडिटी इंडेक्स है, डेट इज IL, IL की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सोयल मैकेनिक्स से मिलेंगे, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो सोयल मैकेनिक्स से आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम इरीगेशन से, इरीगेशन से, इरीगेशन से भी 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि इरीगेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ESC के लिए नहीं है। ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि इरीगेशन की बात करें, इरीगेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे लेसी थ्योरम से, लेसी थ्योरम में आपको पता है हमारे पास कुछ इंपेरिकल रिलेशनशिप्स हैं, इंपेरिकल रिलेशनशिप्स हैं, उससे आपसे पूछा गया है इरीगेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको हाइड्रोलिक रेडियस बताना है, जिसमें आपको डिस्चार्ज गिवन है एंड सिल्ट फैक्टर की वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है लेसी थ्योरी का, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। देन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन रिलेटेड टू विल्टिंग पॉइंट, विल्टिंग पॉइंट, ये मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, विल्टिंग पॉइंट उसका आंसर था। उसमें पूछा गया था व्हेन विल द, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हैं आपके पास, वो पानी एक्सट्रैक्ट करना कब बंद कर देंगे, किस पॉइंट के ऊपर वो पानी एक्सट्रैक्ट करना सोयल से बंद कर देंगे, तो वो पॉइंट आपको बताना था। देन वी हैव क्वेश्चन, देन वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम, और जो क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे इरिगेशन से, यदि मैं देखूं एक आपका पूछा गया है लॉस ऑफ वाटर इन कैनाल, हर साल पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, लॉस ऑफ वाटर इन कैनाल किस रीजन के कारण होता है, व्हाट आर द रीजंस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, आपको 3 स्टेटमेंट गिवन थी, आपको बताना था किसके कारण ये होता है। तो ये एक क्वेश्चन था, एक है आपका रिवर ट्रेनिंग से क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ एम ऑफ रिवर ट्रेनिंग, चीफ एम ऑफ रिवर ट्रेनिंग, रिवर ट्रेनिंग का चीफ एम क्या है, ऑब्वियसली हमें पता है पानी को इस सही डायरेक्शन देना, ताकि आपकी स्टेबिलिटी ऑफ, जो स्टेबिलिटी है आपकी वाटर की इनसाइड द कैनाल मेंटेन रहे, हमारा रिवर ट्रेनिंग का मेन मकसद वही होता है।
तो एक क्वेश्चन ये भी है आपसे। देन टाइल ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन है, एक टाइल ड्रेनेज सिस्टम से, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। टाइल ड्रेनेज सिस्टम से इसमें आपको वॉल्यूम बताना था, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर विल ड्रेन, जिसमें आपको एरिया गिवन था और आपको ड्रेनेज कोफिशेंट गिवन था। तो आप इसको भी इजिली कैलकुलेट कर सकते थे आई थिंक। फिर देन हमारा ड्यूटी डेल्टा से बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए जिसमें आप खाली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, 8.64 B = d डेल्टा, वेयर बी बेस पीरियड इज इन डेज, ड्यूटी इज इन हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड डेल्टा इज इन मीटर। तो ये आपको पता है तो आप उसको भी इजिली कर सकते थे। तो इरीगेशन से मैं कहूँगा ईजी पेपर बनता है और ईजी पेपर आया भी हुआ है, आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन इजिली कर सकते थे। तो ये था हमारे पास इरीगेशन। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको डिज़ाइन से ज़्यादा डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं था, डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन थे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं बात करूं, आपको पूछा गया है डिकम्पोजिशन से रिलेटेड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज स्टार्टेड इज इंडिकेटेड बाय कौन सा एलिमेंट, डैट इज फॉर एग्जांपल अमोनिया या फिर नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या फिर आपका एल्ब्यूमिनोइड नाइट्रोजन। तो आप में से चूज करना था कौन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है। फिर सिंपल क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन से, कोएगुलेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि कोएगुलेशन की डेफिनेशन है। देन वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू वोलेटाइल सॉलिड का कंटेंट आपको शेयर करना था, बताना था, जिसमें आपको क्या गिवन है, वेट ऑफ सीवेज सैंपल आपको गिवन है, वेट ऑफ सॉलिड आफ्टर इवेपोरेशन गिवन है एंड वेट ऑफ ड्राई रेजिड्यू की वैल्यू आपको गिवन थी। आपको बताना था वोलेटाइल सॉलिड होते हैं नॉन फिक्स्ड सॉलिड और नॉन वोलेटाइल होते हैं फिक्स्ड सॉलिड। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इससे। फिर एक क्वेश्चन है एक्टिवेटेड कार्बन से इसका कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, आपको ऑप्शंस गिवन थे, आपको बताना था। फिर एक क्वेश्चन है ग्रिट रिमूवल टैंक को क्या बोलते हैं, आपको चार ऑप्शन गिवन थे ग्रिट रिमूवल टैंक में, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी आपका सेटल कर जाए उस टैंक को आप क्या बोलते हैं, उसमें आपको बताना था, आपको चार ऑप्शन गिवन थे, वहाँ से आप इजिली इसको कर सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कहूँगा इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चंस थे काफ़ी इन्वायरमेंट से भी। और बेसिक थिंग यहाँ पर कोई भी आपका डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, जो कि कन्वेंशनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये था हमारा इन्वायरमेंट। पर्ट सीपीएम से आपको अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, 10 क्वेश्चंस इससे भी पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। एक था आपका क्वेश्चन इसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट गिवन थी और उन 3 स्टेटमेंट में से आपको चूज करना था कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो वो था आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एक था आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फिर आता है एक इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। आप देख पाओगे यहाँ पर जीएस के कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, ये मैं जीएस में बोलूँगा इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक,
क्योंकि हम पर्ट सीपीएम में इसको डायरेक्टली रीड नहीं करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। पर्ट सीपीएम में अब की बार कुछ क्वेश्चन हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को इंक्लूड करके भी देखे गए हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से दो तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पूछे गए हैं, जैसे प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ दिस थिंग्स, मतलब चार ऑप्शन आपको गिवन है जिसमें आपको चूज करना है कि प्लिंथ एरिया इनमें से किसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन है नेटवर्क से रिलेटेड जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, जैसे एरो और विड्थ ऑफ एरो ऑफ नेटवर्क डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, ये एक सही स्टेटमेंट है तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी इसके अंदर। देन यू हैव एक्टिविटी ऑन नोड एओएन से रिलेटेड आपको चार स्टेटमेंट गिवन थी, अगेन आपको आइडेंटिफाई करना था। देन यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ईजी क्वेश्चन है, बड़ा इजीली कर सकते हो आप उसको भी। तो ये कुछ चार पांच क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अभी जो पूछे गए हैं इसके अंदर। एक ये कुछ क्वेश्चंस आप देख पाओगे, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम दी पर्ट सीपीएम। स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिससे स्ट्रक्चर से हमें मिले हैं चार क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एनालिसिस से चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि इससे ऑन एन एवरेज 10-12 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब की बार खाली चार क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर में यदि देखें क्वेश्चन, BMD SFD से क्वेश्चन भी पूछा गया है सोम के अंदर, काफी इजी क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर स्टील से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड, मतलब कि स्टेटमेंट टाइप, आपको चार स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है वो आपको बताना था, वो आपको शेयर करना था। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे आपको एक फ्लोर गिवन है, ये उसके ऊपर आपको लोडिंग बताई गई है, फ्लोर के ऊपर सर्टेन लोडिंग मान लीजिए W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। अब इसके अंदर हम बीम यूज़ करते हैं, इस फ्लोर के ऊपर बीम यूज़ करते हैं, मतलब कि फ्लोर को सपोर्ट करते हुए बीम यूज़ करते हैं। मान लेते हैं ये कोई बीम रही होगी जो इसको सपोर्ट कर रही है, ये कोई बीम रही होगी जो इसको सपोर्ट कर रही है, इसके नीचे हैं ये बीम ऑब्वियसली। तो आपको ये मान लिया एस फेसिंग है, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस आपको गिवन है सिग्मा परमिसिबल आपको गिवन है, इसकी लेंथ आपको गिवन है। तो आपको इसमें स्पेसिंग बताना था जिसमें आपको ये डाटा प्रोवाइड सब गिवन है, सिग्मा परमिसिबल लेंथ एंड W। तो आप इसको भी बड़े इजीली कर सकते थे, कंपैटिबिलिटी बनानी थी आपको यहाँ से सिग्मा परमिसिबल की टर्म में, जिसमें आप स्पेसिंग इजिली कैलकुलेट कर सकते थे। सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पिछले ही साल पूछा गया है, तो आप देख सकते हो पिछले साल के क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं सोल्व करने के लिए, कितने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं सोल्व करने के लिए। जो हमने एक क्वेश्चन देखा था स्ट्रक्चर का ही है वो क्वेश्चन, जो फिक्स स्पॉट वाला था, जिसमें एक स्पॉट आपकी सेटल कर गई थी बाय अमाउंट डेल्टा, आपको फिक्स एंड मूवमेंट बताने थे, तो वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर का ही था। एक है क्वेश्चन आपका स्टीरअप एरिया से रिलेटेड, स्ट्रक्चर में तो नहीं बोलेंगे उसको, RCC का क्वेश्चन है वो, स्टीरअप एरिया से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था उधर भी। स्ट्रक्चर के क्वेश्चन और सोम के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सिमिलर मिलेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर से भी मेनली जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या फिर शियर फोर्स डायग्राम जो हम ट्रस एनालिसिस या फिर फ्रेम एनालिसिस करते हैं
वो दोनों इंक्लूड करते हैं, तो ये एक दोनों इंटरडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं कहूँगा स्ट्रक्चर से ऑन एन एवरेज ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आसान क्वेश्चंस थे, आप इजीली उसको कर सकते थे। हाइड्रोलॉजी की बात करें, हाइड्रोलॉजी से खाली तीन क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी। अब की बार फाई इंडेक्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो कि यूजुअली पूछा जाता है हाइड्रोलॉजी से, जो कि पूछा जाता है। रिस्क से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, रिस्क ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन है आपका इवेपोरेशन से रिलेटेड, यू हैव टू फाइंड द इवेपोरेशन। आपको बताया गया है इनफ्लो मतलब कि कितना पानी अंदर आ रहा है, आउटफ्लो आपको बताया गया है, आपको बताना है इवेपोरेशन इन द कैनाल और इवेपोरेशन इन द कैचमेंट एरिया। आपको डाटा गिवन है, पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं किससे, हाइड्रोलॉजी से। तो ओवरऑल ये था हमारा पेपर, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ दिया है, ट्रांसपोर्टेशन भी आए जिससे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सिग्नल से क्वेश्चन पूछा गया है जो हम देख पा रहे हैं। एडवांटेजेस आपको ट्रैफिक सिग्नल के बताने थे, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन थी। फिर एक एक्सप्रेस वे से क्वेश्चन पूछा गया है, देन यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम द टनलिंग इन द हार्ड रॉक की टनलिंग से, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेल गेजेस, एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेल गेजेस से क्वेश्चन भी पूछा गया है। देन यू हैव फ्रॉम द रिजिड पेवमेंट में क्रैक्स की लोकेशंस से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको आप बताना है इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द फॉलोइंग। तो आपको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, वहाँ पे क्या पूछा गया है। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है एक स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस से, एसएसडी से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज करना था। देन यू हैव फ्रॉम द कैपेसिटी से, क्यों कैपेसिटी फ्लो से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैं कहूँगा जो ट्रांसपोर्टेशन से पूछे गए हैं आपको। तो आई होप मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। अब यदि बात करें कितने इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कोई कर सकता था, हमारे पास 150 क्वेश्चंस थे, और टाइम कितना था, 180 मिनट्स। और पेपर का लेवल मैं यदि बोलूं तो ये था आपका मॉडरेट लेवल का ये पेपर था। और कोई इजली इस पेपर में 110 क्वेश्चंस को इजली अटेम्प्ट कर सकता है यदि आपने प्रीवियस ईयर को ढंग से पढ़ाया, आपने अपनी नोटबुक को ढंग से पढ़ाया, तो आप 110 क्वेश्चन बड़े इजली अटेम्प्ट कर सकते थे। क्योंकि अब की बार वैकेंसी कम है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी वेरी हाई। लास्ट ईयर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाज 238 मार्क्स इन द इंक्लूडिंग पेपर वन को इंक्लूड करके। दिस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी 260 मार्क्स। ये बहुत मार्क्स होते हैं, 260 मार्क्स यदि पेपर वन को भी इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर, तो एक अच्छा स्कोर यदि आपको चाहिए इसके अंदर, तो आपको 300 स्कोर मिनिमम आपको चाहिए यदि आपको मेंस में एज लेनी है, मेंस में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आवर एम इज़ नॉट ओनली टू क्रैक द प्रीलिम्स ऑफ आईएएस एग्ज़ाम, बट द
इंटरव्यू ऑल्सो एंड सिक्योर अ गुड रैंक, सिक्योर अ गुड रैंक इन दिस एग्जाम. सो आई होप आई टोल्ड यू ऑल दी थिंग्स इन दिस रिगार्ड ऑफ IAS एग्जाम दिस ईयर. यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम चैनल पर VPLSU Academy के आप जाइए, वहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.